I am Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. जी, मैं एक फ्रांसिस्कन के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ. जब यहाँ पर मिशनरी आए, क्योंकि यहाँ पर फादर तो हॉलैंड से आते थे, यहाँ पर यहाँ डिफरेंट कंट्री से, लेकिन यहाँ फ्रांसिस्कन ने फ्रायरी को कब यहाँ पर ली जगह, कैसे उन्होंने फॉर्मेशन की? मैंने सुना है कि यहाँ ये जो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी है, ये भी फ्रांसिस्कन ने शुरू की जी. क्या उसके बारे में बताएंगे? हमारे पहले फ्रायर्स जो थे वो 1934 में हॉलैंड से आए थे. ओके. और उन्होंने ये महसूस किया कि मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को हमसे पहले कैपुचिन्स ऑलरेडी थे पंजाब में, लेकिन सिंध में ओएफएम्स हॉलैंड से आए थे. ओके. और हमने ये 1934 में फ्रायर्स आए, ऑलरेडी यहाँ पर जेजुइट्स काम कर रहे थे. अच्छा, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ. जैसे आपने कहा था कैप्चन वहाँ पर कर रहे थे, यहाँ फिर 1934 में यहाँ पर फ्रांसिस्कन आए. जी जी. लेकिन वो कैप्चन भी फ्रांसिस्कन ही है. जी जी, ज़रूर. हाँ. फ्रांसिस्कन्स है, क्योंकि फ्रांसिस्कन्स तीन ऑर्डर जो है ना जी जी, वो फर्स्ट ऑर्डर है. ओके. तो ओएफएम्स जो जिससे मेरा ताल्लुक है, ओएफएम कैपुचिन्स जी जी जो लाहौर में है, और ओएफएम कन्वेंचुअल्स. ओके. ये तीनों ऑर्डर्स जो हैं वो फ्रांसिस्कन जमात के फर्स्ट ऑर्डर हैं. तो कैपुचिन्स जो थे वो पंजाब में, और ओएफएम्स ने ये महसूस किया कि वो सिंध और बलूचिस्तान इस खिदमत को और फ्रांसिस की रूहानियत को जो है वो उजागर करें. तो 1934 में जब हम यहाँ आए तो ऑलरेडी जो जेजुइट्स हैं वो खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे थे. 1935 में ओएफएम्स ने जेजुइट्स से हैंडिंग ओवर की मिशन की वो ली, और 1936 में फिर हमने ये जो फ्रायरी जो है उसका आगाज़ किया. क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस के पैरोकार जो हैं वो चाहते थे कि ना सिर्फ मिशनरी हॉलैंड से या किसी और जगह से आकर यहाँ पर पाकिस्तान में और सिंध और बलूचिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दें, बल्कि वो चाहते थे कि लोकल फ्रायर जो हैं वो भी इस खिदमत को जो है वो जारी रखें और मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को ज़िंदा रखें. लिहाजा 1936 में फिर ये जो पुरचुंकला फ्रायरी जो है इसका आगाज़ हुआ. और पुरचुंकला जो है इसका नाम है पुरचुंकला फ्रायरी. ये पुरचुंकला का मतलब है छोटी जगह या छोटा घर. तो इसका आगाज़ हुआ. लेकिन याद रहे कि ये जितना कैंपस है क्राइस्ट द किंग से लेकर सेंट फिलिप की दीवार तक, ये जितनी जगह जो है वो फ्रांसिस्कनों ने खरीदी थी. और फ्रांसिस्कनों ने फिर ये महसूस किया कि लोकल जो फ्रायर्स, लोकल जो क्लर्जी है उसका भी आगाज़ किया. सो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डायसिसिस में है उनके लिए जो काहिन है उनकी तैयारी, उनकी तरबियत के लिए भी ये जगह जो है वो दे दी गई. और तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो फ्रांसिस्कन्स ने क्राइस्ट द किंग सेमिनरी के नाम से वहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स अभी हैं मौजूदा ये बनाई थी. और पहले दो रेक्टर थे वो ओएफएम यानी फ्रांसिस्कन जमात से थे. तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे फ्रायर्स ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तानी कलीसिया के लिए किया है, जिसमें जितने भी बिशप साहबान हैं पाकिस्तान में जी,
उन सब ने इसी अदारे से यानी क्राइस्ट सेमिनरी से स्टडी की है, और ये बड़े फख्र की बात है। और जितने भी काहिन है पाकिस्तान में, ज़्यादातर आजकल तो कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ में से भी और कुछ डायसिस में से भी, रोम में भी स्टडीज करके लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी जो फ्रांसिस्कन्स ने बनाए उसमें उन्होंने तालीम हासिल की। और आज पूरे पाकिस्तान में बिशप साहबान और जो लोकल क्लर्जी है उन कार्डिनल भी जैसे भी कार्डिनल जोसेफ कुर्ट जो है वो भी यहीं से उन्होंने स्टडी की। और इनफैक्ट जो दो बिशप फौत हो गए हैं, बिशप जॉन जोसेफ और बिशप पतरस यूसुफ, वो भी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़े और उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। अच्छा फाजी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फादर लुइस मस्क्रीनिस उसने बताया कि स्टार्टिंग ये जो फ्रायरी थी परचुंकला यहाँ से पहले स्टडी शुरू की थी, थियोलॉजी यहाँ करते थे, फिर वो बिल्डिंग बनी और फिर उन्होंने सब कुछ ये किया। एक्चुअली जब मैं जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फ्रायर्स की तरबियत के लिए फ्रांसिस्कन फ्रायरी जो है या परचुंकला फ्रायरी जो है उसको बनाया गया, तो फ्रायर्स के साथ साथ जो पहले काहिन थे डायसिसन जो है उनकी तरबियत भी यही हुई, क्योंकि जो बिल्डिंग है रेड बिल्डिंग और ग्रे बिल्डिंग, ग्रे बिल्डिंग उस वक्त ये बनी नहीं थी, तो ये तकरीबन 1955 या 56 में ये बिल्डिंग का आगाज़ किया। तो उससे पहले जो लोकल क्लर्जी थी, जो फादर्स थे, वो फ्रांसिस्कन फ्रायरी में ही तरबियत हासिल करते थे और यहीं से वो फादर बनते थे और फिर आगे जाते थे। याद रहे कि फ्रांसिस्कन फादर लिबेरियस पीटरसन, ओके, जिनकी होशाना की किताब में उनकी तस्वीर भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने गीत भी कंपोज किए, उन्होंने गीत लिखे भी, और बाइबल जो कैथलिक उर्दू बाइबल है उसकी ट्रांसलेशन में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो हॉलैंड से थे जी, वो डच प्रीस्ट थे, ओके, और वो उन पहले टीचर्स में थे, प्रोफेसर्स में थे जिन्होंने फ्रायरी में स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, जो ग्रीक भी पढ़ाते थे। अच्छा। और हिब्रू भी पढ़ाते थे, फिर उसके अलावा म्यूजिक पढ़ाते थे, और इल्म-ए-इलाहियात की तालीम।